हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने सत्र 2020-21 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की घोषणा की है। मान्य गेट या GPAT स्कोर के साथ ME, MTech, M Pharma और AICTE के मान्यता प्राप्त संस्थानों के उम्मीदवार AICTE की वेबसाइट पर स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इधर मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग काउंसिलिंग 22 सितंबर से शुरू। AICTE ने कहा, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर प्रोग्राम में एडमिशन पाने वाले GATE के उम्मीदवार और फार्मेसी प्रोग्राम में भर्ती पाने वाले GPAT के उम्मीदवार स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस के लिए डेटा वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। पार्ट टाइम कोर्स में भर्ती छात्र इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं है। AICTE ने कहा कि स्कॉलरशिप की अधिकतम अवधि 24 महीनों की होगी या फिर कोर्स पूरा करने तक, थीसिस सबमिट करने तक या जो भी पहले हो जाए। आधिकारिक बयान में कहा गया, छात्रों का एक समान नाम के साथ जनरल सेविंग अकाउंट होना चाहिए, ज्वाइंट अकाउंट स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्कॉलरशिप से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार AICTE के हेल्पलाइन नंबर 011-261-31576-78 और 80 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर pgscholarship@aicteindia.organization पर ईमेल भेज सकते हैं। मध्य प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए प्रदेश के 151 इंजीनियरिंग कॉलेजों में लगभग 55,000 से ज्यादा सीटों पर 22 सितंबर से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। JEE मेन के आधार पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगा। विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार के लिए 2 दिन 4 एवं 5 अक्टूबर निर्धारित किया गया है। वहीं द्वितीय चरण में JEE मेन 2020 के आधार पर आवंटन के बाद रिक्त रह गई सीटों के लिए कक्षा 12वीं के आधार पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13 से 24 अक्टूबर तक किया जाएगा। विद्यार्थी इच्छित संस्थाओं में चॉइस फिलिंग 21 से 27 अक्टूबर तक कर सकेंगे। आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, आवंटित संस्थान में उपस्थिति, मूल दस्तावेजों का सत्यापन तथा प्रवेश 2 से 6 नवम्बर के मध्य किया जाएगा। पहले JEE मेन 2020 के आधार पर आवंटन किया जाएगा, इसके बाद ही रिक्त सीटों पर कक्षा 12वीं के आधार पर आवंटन होगा। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज़।